सो आज जो इफ्तार है वो क्या स्पेशल होगा इफ्तारी में, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कल फर्स्ट रोजा है, आई एम सो एक्साइटेड। वेलकम बैक टू माई चैनल, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी, एंड सभी को रमज़ान मुबारक। और आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं रमज़ान के लिए, कल फर्स्ट पहला रोज़ा है, तो रमज़ान मंथ स्टार्ट हो गया है। व्लॉग मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज रात से ही तैयारी जो है वो स्टार्ट हो गई है, इसीलिए मुझे लगा कि आज रात से ही तो व्लॉग स्टार्ट करना है। सो अभी रात हो चुकी है, हम लोगों का डिनर हो चुका है, हम लोगों ने नहा लिया है, एंड सो मैं थोड़ा सा बाल सुखा रही थी मेरे, एंड मेरी मम्मी और दीदी जो है वो तैयारी में लगे हैं। सीटी की आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं ना, तो कल सहरी के लिए अभी थोड़ा सा हम लोग तैयारी करके रखेंगे। खाना पीना तो हो गया है, तो अभी बारी है हजमोला की, जो मेरी दीदी हमेशा खाने के बाद हजमोला देती है। सो ये है मेरी दीदी जो अभी भाग गई, क्योंकि अभी बहुत रश है, सब लोग तैयारी में बिजी है, इसीलिए पानी बहुत ही ज़्यादा पीना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने आज से ही स्टार्ट कर दिया है पानी पीना। मैंने इस बॉटल का 3 बॉटल्स, मतलब ये 1 लीटर का बॉटल है, तो 3 बॉटल मैंने ऑलरेडी पानी पी लिया है, और ये है 4th नंबर बॉटल जो कि यहाँ तक हो गया है। मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि पानी बहुत ही ज़्यादा आप पिए, क्योंकि रोज़ा रखने के बाद शरीर पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है। आज मैं ये तो पूरा ख़त्म करूंगी, एंड मैं टारगेट रखूंगी कि मैं एक और बॉटल ख़त्म कर पाऊँ, तो इससे क्या है शरीर पूरा हाइड्रेटेड रहेगा कल, और कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट्स वाई। गुड मॉर्निंग, तो सहरी के लिए हम लोग उठ चुके हैं, तो ये है चावल, उसके साथ है दाल, और उसके साथ आलू का भरता है, एंड खट्टा मीठा चटनी है, तो यही हम लोग खाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर हम लोग सो जाएंगे। हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग, और अभी एक्चुअली आफ्टरनून हो गया है क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट से उठी थी, एंड उसके बाद मेरा क्लास था, तो मैं क्लासेस करने लगी और 3 आवर्स तक मेरा क्लासेस थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने घर की सफाई की, एंड फिर मैंने नहा लिया, उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैं कुरान पढ़ रही थी, तो इसीलिए मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन अभी सब कुछ हो गया है। सो अभी 3:15 बज गए हैं, अभी हम लोग इफ्तार के लिए थोड़ा सा तैयारी करेंगे। सो किचन में मैं जाऊँगी और देखूँगी कि मम्मी और दीदी जो है वो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली मेरे घर में जो सफाई वगैरह का जो काम है वो मैं और मेरे पापा कर लेते हैं, और जो भी खाना बनाने का एंड किचन का जो भी काम है वो मेरी मम्मी और मेरी दीदी करती हैं। गाइस, इफ्तार का जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अभी भी हमारे हाथ में है 10 मिनट्स। सो इफ्तार की तैयारी पूरी हो गई है। ये यहाँ पर है छोले जिसको हमने बॉईल किया है, फिर यहाँ पर नींबू है जो हम शरबत में मिक्स करके लेते हैं, यहाँ पर है नमकीन जो मेरी दीदी ने बनाया है, ये है अदरक जो हम लोग लेते हैं, इससे डाइजेशन अच्छा होता है, ये सब है मिठाई, ये है ब्रेड के मिठाई जो जिसे मीठा टुकड़ा बोलते हैं, और ये है अंडे का हलवा जो बहुत टेस्टी बनता है, और ये है फ्रूट्स का प्लेट जिसमें है बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल है। अच्छा, ये वाला जो है ये ब्रेड का पकोड़े जो मेरी दीदी ने बनाया है, ये पफ्ड राइस मतलब मूढ़ी, और फ्रूट्स में हमारे पास है एप्पल है, मौसम्बी है, केला है, उसके साथ क्यूकम्बर है, और ये दाल जो हम लोगों ने भिगो कर रखा था ये भी बहुत फुलफिलिंग होता है, और ये टेस्टी तरबूज जो कि बहुत मीठा है, ये कुछ और पकौड़े हैं, ये है आलू के पकौड़े, और ब्रेड के जो साइड वाले पोर्शन होते हैं ना उसका अलग से पकौड़े बना लिया है, बहुत टेस्टी होती है, ट्राई वंस। ये है चिकन, उसके साथ बादाम वगैरह है, एंड दिस इज माई फेवरेट छोला। आप लोगों ने
देख ही लिया है कि आज हमारे इफ्तार में क्या क्या है, तो हम सब मिलकर एक साथ इफ्तार करेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी। सो अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद हम लोग इफ्तार करेंगे। एज़ यू कैन सी कि रात हो चुकी है और मेरा जो डिनर वगैरह है मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने बस एक रोटी खाया है और अभी मैं सोने जाऊंगी। मैंने अपने बालों पर तेल लगाया है क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, दैट्स व्हाई मैंने चंपी की है। सो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया। ऐसे ही सिंपल व्लॉग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड या आज के लिए इतना ही, रमादान मुबारक सबको, और सभी अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मैं अपने दुआओं में आप सबको याद रखूंगी। सो या बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड बाय।